तो जल्दबाजी में मैंने हेलमेट भूल दिया घर पे ही, तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, वो हेलमेट लेके आ रहा है, देखो आ गया ये, तो हमारा सर्वेंट आ गया हेलमेट लेके, शुक्रिया। हम लोगों को जोगेश्वरी से सिर्फ फ्लाईओवर पे आने के लिए आधा घंटा लग गया, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और इफ्तारी का टाइम है, रोजे का टाइम है, तो सब लोग पब्लिक लाए वहाँ पे, सब फ्रूट वगैरह लेने को आती है, तो अभी देखते हैं आगे, होप सो ट्रैफिक ना मिले। हम लोग को जल्दी सनसेट होने से पहले हम लोग को पवई लेक पहुँचना है, बिकॉज बहुत दिन के बाद पवई लेक जा रहे हैं, तो इसी पानी के अंदर ले, डायरेक्ट पानी के अंदर ले। तो यहाँ पे पुलिस वाले हैं, शायद मेरे को ड्रोन फ्लाई करने नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुलिस के डब्बे खड़े हैं। मैंने सोचा था कि तुम लोगों को थोड़े बहुत ड्रोन शॉट दिखाऊँ, बट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा, ड्रोन शॉट मैं ले नहीं पाऊँगा। थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जगह मिलेगी तो अच्छा है, फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत ड्रोन शॉट ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पीछे तो बहुत सारे मतलब पुलिस खड़े थे, इसलिए हम लोग थोड़े आगे आगे सोचा कि ड्रोन शॉट लेने के, अभी ड्रोन लेके आए तो ड्रोन शॉट तो तुम लोगों को दिखाना ज़रूरी है। ये बस स्टॉप के बाजू में हम लोग ने बाइक लगा दी है, वैसे आई होप सो मतलब बस स्टॉप के इधर कोई बाइक उठा ना ले, नो पार्किंग वाला आके बाइक उठा लेगा तो पंगा हो जाएगा, एंड हम लोग को पता भी नहीं कि यहाँ पे आरटीओ बाइक उठाते तो अभी किधर लेके जाते हैं, तो चलो जाते हैं नीचे पहले एंड ड्रोन शॉट ले लेते हैं पहले, बिकॉज अंधेरा होने वाला है, इवनिंग का टाइम है तो अंधेरा होगा, इसलिए पहले जाके अपन ड्रोन शॉट लेते हैं। देखो ऐसे है कि बंदा आरटीओ में काम करता है बट पवई में नहीं। वेदर तो बहुत प्लेजेंट है यहाँ पे, थोड़े बहुत टाइम लैप्स एंड ड्रोन शॉट बहुत अच्छे आएंगे, एंड सनसेट तो मैंने मिस कर दिया, चलो नीचे जाते हैं। जब से मुंबई के निकला ड्रोन क्रैश हुआ है तब से मेरे को ड्रोन फ्लाई करने में बहुत डर लगता है, मुंबई के निकल का मतलब आशीष का। ड्रोन को कुछ हुआ नहीं और एकदम सेफली वे में नीचे आया, ना कोई कॉप्स ने मुझे पकड़ा, बिकॉज ये पवई लेक में मैंने सुना है कि बहुत कॉप्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे शूटिंग करना है एंड ड्रोन शॉट्स तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, एंड शूटिंग तो ऑब्वियसली मालूम है बम्बई में तो ये प्रॉब्लम है, मतलब हर जगह पे शूटिंग करना प्रॉब्लम ही रहता है, अभी हमने चुप चुपे थोड़े बहुत ड्रोन शॉट ले लिए एंड पवई लेक में बहुत शॉट लिया। मैंने सुना था कि पवई लेक पे कुछ मतलब मगरमच्छ का सीन हो गया था, लाइक रास्ते पे मगरमच्छ आया था, तो वो कुछ मालूम है कैसे उसके बारे में? नहीं, क्योंकि ना रास्ते यहाँ से मगरमच्छ आया था, जहाँ पे जो दलदल है पूरा लाइक जो लेक है उसके अंदर से बहुत मगरमच्छ है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो मगरमच्छ है ना वो रास्ते पे आ गया था, जहाँ पे बारिश में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है पवई लेक पे, तो इसीलिए पुलिस लोग यहाँ पे बहुत रहते हैं एंड शूट वगैरह करना अलाउड नहीं है, तो यही इतना ही मालूम है अपन को पवई लेक के बारे में। आई होप उन्होंने ड्रोन शॉट एंजॉय किए होंगे, ये हो गए ऑब्वियसली बिकॉज रिस्क लेके मैंने ड्रोन शॉट लिया है। और ये देखो पुलिस ने हम लोग को घेर लिया है, ये बोल रहे थे कि ड्रोन अलाउड नहीं है, देखो अभी बोल के जा रहे हैं, सांप देखो सांप।
अभी हम खा रहे हैं ये सूखा फूका चटपटा भेल, चना सिंगदाना सब मिक्स फुल डाइट। इधर आओ, 20 रुपीस का डाइट मिलेगा। 20 रुपए का डाइट है देखो। डांबर ने टुकड़ो अंकल का नाम है अमावस निकाल सब नाम पेट नेम से बहुत बढ़िया बेल बनाया भैया। देखो उसमें मेरा आ गया, उसमें देखो तुम भी आ रहे हो। ये शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे तुम लोग को मतलब बहुत सारे लोकेशन मिलेंगे, पर एक प्रॉब्लम है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है और जगह यहाँ पे बहुत कम है। मतलब ये जंगल में यहाँ पे कूदो मत, यह जंगल में वो यहाँ पे दलदल है अंदर, और यहाँ पे जाओगे अंदर ग्रास में शूट करने के लिए ग्रास में घुस जाओगे। अगर तुम लोग यहाँ पे फैमिली के साथ में आ रहे हो तो तुम लोग गलती से मत आना, बिकॉज की रीज़न बता। बिकॉज इधर लव बर्ड्स बहुत है और ऐसा घुसते हैं कि देख के उल्टी आए। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग फैमिली के साथ में आना वर्थ नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो कपल्स लोग हैं ना यहाँ पे बहुत अश्लील गिरी करते रहते, मतलब अश्लील चाले करते रहते, तो देख के तुम लोग को ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग फैमिली के साथ में बता। हम लोग चाहे तो हम लोग उन लोगों को रोस्ट कर सकते हैं, हम लोग की वीडियो निकाल के उन लोग को हम लोग बोलते ना क्या बोलता यूट्यूब पर डाल सकते, बट उन लोग का फैमिली से भी इशू आ जाएगा। हाँ, हम लोग को गाली देते बैठेंगे तो उल्टा हम लोग का नाम खराब होगा। ये सब शूट करना ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता हम लोग को, सो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब अगर तुम लोग कपल्स हो तो तुम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में एड़े चाले मत करो, बिकॉज बूढ़ा बूढ़े लोग जॉगिंग करने आते हैं यहाँ पे और उन लोग को देखे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है हम लोग जब भी देखते हैं कि एक कपल लोग बाहर अश्लील चाले कर रहे हैं। ऐसे एड़े चाले मत करो पब्लिक प्लेस में बैठ के, तुम लोग को अगर प्राइवेसी चाहिए तो तुम लोग जाओ रेंट पे, रेंट करो रूम, रेंट करो कोई रूम भी ऑफर चालू है हम लोग का। सो रिमेंबर दैट, ऐसा कुछ गलत हरकतें मत करना पब्लिक प्लेस में, नॉट गुड, बिकॉज तुम लोग का नाम खराब होगा। अगर कोई वीडियो बना के तुम लोग का डाल दे तो तुम लोग का नाम खराब होगा, तुम लोग वायरल हो जाओगे तो तुम लोग का बैड इंप्रेशन गिरेगा, स्पेशली लड़कियों को। तुम लोग समझदार हो, तुम लोग आपके बॉयफ्रेंड को बता सकते हो, तो ये सब मत करो पब्लिक प्लेस में। ये लड़का ना एक घंटे से, पिछले एक घंटे से सिगरेट के लिए तड़प रहा है। क्या मतलब इतना क्यों तड़पता है सिगरेट के लिए? सही है, जो अभी मूवमेंट था वही लेक का पूरा साइलेंट प्लेस, तो इसको बोला अभी कि हेडफोन्स लगा के मस्त 10-12 गाने सुन के फिर थोड़ा बनता है लाइफ का। तो आधा एक घंटा तड़पने के बाद बंदे को सिगरेट का शॉप मिला इधर पीछे हम लोग अभी, और मेरे को बाजू में शॉप मेरा चाय का, सिगरेट एंड चाय, अपन तो सिगरेट पीते नहीं, अपन को चाय बहुत जरूरी है, अपन सिगरेट वगैरह नहीं पीता। तो अभी मैं चलाने वाला हूँ बाइक चलाने का मन कर रहा है, भले ट्रैफिक रहेगा एनीवेज KTM में तो थोड़ा एंजॉय करेगा राइड, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रैफिक का थोड़ा मज़ा उठा। चल क्या